देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पुत्र किसान से ये अपील की थी कि देश का किसान अगले 4 साल में अपनी खेती में यूरिया के इस्तेमाल को आधा कर दे, ताकि मिट्टी की सेहत सुधरे और उत्पादन बेहतर हो। यदि हम धरती माँ का ख्याल रखेंगे तो धरती माँ भी हम सब का ख्याल रखेंगी। मोदी अपनी कथनी के हर शब्द को करनी में तब्दील कर अगले 4 साल में किसान की दुगनी उन्नति का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए खेती के ढंग को बेहतर बनाने और किसान को रसायन मुक्त खेती के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार न सिर्फ नई योजनाएं लाई बल्कि किसानों को उन योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया। साल 2016 में सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की और आज 11.5 करोड़ किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जिसके जरिए किसान को ये समझ आ रहा है कि वो अपने खेत की मिट्टी में किस फसल को बेहतर जीवन दे सकता है। किसान की बेहतर आय और रसायन मुक्त खेती को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना भी इसी दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इस योजना के तहत किसान को जैविक खेती से होने वाले लाभों से रूबरू कराया जा रहा है, ताकि किसान परंपरागत कृषि विकास योजना को समझे और फसलों के लिए रसायनों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचे। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती अपनाने से फसलों के साथ साथ पर्यावरण भी कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल से बच सकेगा। जैविक विधि से खेती जहां मिट्टी की सेहत को सुधारेगी, वहीं इंसान भी बीमारियों से बच सकेंगे और वातावरण की हवाएं भी शुद्ध होंगी। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को रोकने के लिए भी जैविक खेती एक बेहतर विकल्प है। किसान के हित में चलाई सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसान गरीबी और बीमारी दोनों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता में भी जैविक खेती सहायक सिद्ध हो रही है। इंसानों के साथ साथ जैविक खेती पशु स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी सहायक है। यानी किसान यदि खेती में रसायनों के इस्तेमाल से तौबा करता है तो कृषि को एक नई राह मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी किसान के जहन से निकले सवालों की एक लंबी कतार सामने खड़ी है। क्या जैविक खेती की ये राह किसान की खाली जेब भर पाएगी? क्या फिर कोई बड़ा उद्योग किसान की इस छोटी मेहनत के नाम पर मोटी रकम नहीं बटोरेगा? क्या किसानों की आत्महत्याओं पर विराम लग सकेगा? क्या किसान कर्जदारी और मुफलिसी के दौर से उबर पाएगा? क्या किसान के हित में चलाई सरकार की ये तमाम योजनाएं अगले 4 साल में किसान की दुगनी आय के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगी? देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।